नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। नीति शतक की बातें कर रहे हैं। महाकवि भर्तृहरि ने इतने अच्छी अच्छी बातें यहां प्रस्तुत की हैं कि जैसे जैसे आप सुनते जाएंगे वैसे वैसे आपको परम आनंद की प्राप्ति होगी और बिना प्रयास के कुछ बहुत अच्छी बातें आपको जानने को मिल जाएंगी। आज कवियों की प्रशंसा को लेकर के जो भर्तृहरि ने लिखा है देखते हैं जरा। जयंति ते सुकृतिनो रस सिद्धा कवीश्वराः नास्ति येषां यशः काये जरा मरण जम्भयम्। जो रस सिद्ध कवि हैं मैं उनका जयकार करता हूं, मैं उनको नमन करता हूं। ऐसे सुकृत सुंदर कार्य करने वाले रस सिद्ध कवियों को मैं नमन करता हूं जिनके यश रूपी शरीर को वृद्धावस्था या मृत्यु का कोई भय नहीं होता है। देखिए, कवि होना, कविता लिखना ये कठिन कार्य है, पर इतना कठिन कार्य नहीं है। लेकिन रस सिद्ध कवि होना बहुत कठिन कार्य है। हम कई बार कुछ ऐसे टॉपिक या विषयों या अपनी भावनाओं को लेकर के कुछ लिख देते हैं और हम समझते ये हैं कि हम बहुत अच्छे कवि या बहुत बड़े कवि हो गए। लेकिन कालातीत जो कवि हैं, चाहे वो कालिदास हों, चाहे वो हिंदी के जयशंकर प्रसाद मैथिली शरण गुप्त वगैरह हों, कालातीत कवि तभी बना जा सकता है जब व्यक्ति उसमें रहने वाले रस, उसके विषय पे विशेष ध्यान दे। साहित्य कहता है कि वस्तु नेता रसस्तेषां भेदकः। वस्तु नेता और रस, ये तीन चीजें ऐसी हैं जो कहा तो ये नाट्य के संदर्भ में गया है, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये तीन चीजें ऐसी हैं जो आपका काव्य समसामायिक रहेगा या कालातीत बनेगा इसका निर्णय करेंगे। तो जो कवि लोग हैं उनको इस पद्य के माध्यम से मैं भी भर्तृहरि की तरफ से नमन करता हूं। उनका यश रूपी शरीर हमेशा जीवित रहे, ये कोई प्रार्थना या दुआ की जरूरत नहीं है। आज भी हम कहते हैं कि कालिदास कहते हैं, भास कह रहे हैं, जैसे वो आज भी जीवित हों, इस प्रकार का व्यवहार हम करते हैं। तो ऐसे कवियों को मैं नमन करता हूं। आपको बात अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, मित्रों तक पहुंचाइए, पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और आप सुन रहे हैं नीति शतक। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। धन्यवाद।